नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल एमसीक्यू में। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर हम 4000 एमसीक्यू को आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं, एमसीक्यू आपके टेक्निकल थ्योरी के। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हमारे टेक्निकल एमसीक्यू फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पर हमने टेस्ट सीरीज जो है चालू कर दी है हमारे चैनल पर, और यूट्यूब पर भी अपलोड कर रहे हैं। अब अगर आपने अभी तक जो हमारा पहला टेस्ट अपलोड हो चुका है, जो कि कल ही हुआ है, सेफ्टी चैप्टर से, अगर आपने उसे नहीं दिया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके उस टेस्ट को आप देख सकते हैं और पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक सूचना और दे दूं कि अगला जो टेस्ट होने वाला है वो है 17 तारीख को 17/4/2020 को आपका टेस्ट अगला होगा, शाम के 5 बजे। फ्रेंड्स, 5 PM पर आपका टेस्ट यहां पर अपलोड हो जाएगा। उससे पहले आपको एक वीडियो मिलेगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि टेस्ट जो है आपका अपलोड होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपको उस सभी टेस्टों को ज़रूर देना है। पहला जो टेस्ट हुआ है हमारा, उसमें आप लोगों ने सभी ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, जिसको देख कर मैं आपके टेस्ट सीरीज को आगे भी कंटिन्यू करूँगा। तो फ्रेंड्स, आज जो है हमारी 21st क्लास होने वाली है, क्योंकि 20 क्लास हमने पहले कर चुके हैं हमारे 4000 एमसीक्यू की। तो फ्रेंड्स, आज हमारी 21st क्लास होने वाली है, जिसमें हम सोल्डरिंग से कर रहे थे। 130 तक हमने क्वेश्चन पहले ही कर चुके थे, आज जो है 131 से क्वेश्चन हम आज कर लेंगे। सोल्डरिंग जो है आज हम क्लियर कर देंगे पूरी, क्योंकि फ्रेंड्स आपको इस क्लास को भी इसलिए जरूर देखना है क्योंकि अगला जो आपका टेस्ट है वो सोल्डरिंग से भी हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ज़्यादा समय न गवाते हुए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जितने भी लोग अभी नए हैं, उन लोगों को हम बोलना चाहूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशन की वीडियो सबसे पहले प्रोवाइड हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, 131 क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। सोल्डर में किन किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ऑप्शन सी में लिखा है, सोल्डर जो होता है वो लेड एवं टिन की मिश्रित धातु होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको इस पीडीएफ को बाय करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं। आगे जो क्वेश्चन है हमारा वह है 132 यानी 132 क्या है, ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। विद्युत तारों को जोड़ने हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो फ्रेंड्स, विद्युत को हमको विद्युत तारों को अगर जोड़ना है तो हम सोल्डरिंग का प्रयोग करेंगे। राइट आंसर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 क्या है, ध्यान से देखें। ब्रेजिंग में किस प्रकार का फ्लक्स प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, अगर ब्रेजिंग की बात चली है तो एकमात्र फ्लक्स का प्रयोग करते हैं, वो है ऑप्शन सी, बोरेक्स, जिसे सुहागा कहते हैं हिंदी में। राइट आंसर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 134 क्या है, ध्यान से देखें। फ्रेंड्स, ये रहा आपका क्वेश्चन, सोल्डरिंग आयरन का बिट किसका बना होता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी का, मतलब तांबे का बना होता है, क्योंकि ये अच्छी विद्युत सुचालक धातु है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रांगा मिश्रित धातु है? तो फ्रेंड्स, रांगा जो होती है ऑप्शन डी, टिन और सीसे की मिश्रित धातु होती है, जिसका प्रयोग सोल्डरिंग में करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 136 क्या है, ध्यान से देखें। धातु के टांके लगाने में सामान्यतः निम्न में से किन धातुओं का उपयोग होता है? तो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, राइट आंसर क्या है, सीसा और टिन, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है, ऑप्शन डी यानी सीसा और टिन। आगे बढ़ते हैं, फिर से जो है रिपीट हुआ है, टांका खालिस्तान से मिश्रित धातु होती है। तो फिर से मैं आपको बता दूं, यहाँ जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, रांगा और शीश यानी टिन और लेड की मिश्रित धातु होती है, शोल्डर यानी टांका, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि फ्रेंड्स अब जो है आपके क्वेश्चन वन लाइनर के हैं, थोड़े से जो बचे हैं हम कर लेते हैं वन लाइनर के क्वेश्चन, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए, जो हम वन लाइनर हैं उन्हें भी अटेंड कर लेते हैं, जो बचे कुछ क्वेश्चन है हमारे सोल्डरिंग से। देखिए फ्रेंड्स, ये हैं क्वेश्चन, क्या है पहला क्वेश्चन, गैस सिलेंडर में एसिटिलीन को किस रूप से एकत्रित किया जाता है? मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, इसे ध्यान से देखें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आंसर में, द्रव रूप में। तो फ्रेंड्स, एसिटिलीन को हम द्रव रूप में संचित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसको पढ़ रहा हूँ, सॉफ्ट सोल्डरिंग प्रायः की जाती है? तो 450 डिग्री से कम पर सॉफ्ट सोल्डरिंग की जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो लिखा ब्रेजिंग प्रायः की जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर ब्रेजिंग की बात करें तो 450 से अधिक डिग्री पर यानी अधिक तापमान पर की जाती है। अब सोल्डरिंग ज्वाइंट होता है, तो सोल्डरिंग ज्वाइंट क्या होता है, ब्रेजिंग की अपेक्षा कमजोर होता है।
सोल्डर मिश्र धातु की बात कर लें तो टिन और लेड का मिश्रित होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सोल्डर का गलनांक कम करने के लिए मिलाया जाता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर बिस्मिथ धातु को सोल्डर का गलनांक कम करने के लिए मिलाया जाता है और बढ़ाने के लिए एंटीमनी धातु को मिलाया जाता है, जैसा कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं। आगे बात कर लें तो ब्रेजिंग के लिए प्रयोग स्प्लेल्टर मिश्रित होता है या मिश्रण होता है, तांबा और जस्ता का मिश्रित जो मिश्रित धातु होती है स्प्लेल्टर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोल्डरिंग के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है, तो 450 डिग्री से कम की आवश्यकता होती है सोल्डरिंग में। ब्रेजिंग के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है, तो लगभग 600 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पीतल की सोल्डरिंग के लिए प्रयोग किया जाता है तो जिंक क्लोराइड फ्लक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है पीतल के लिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये वन लाइनर क्वेश्चन है, थोड़ी हम स्पीड में करने की कोशिश करेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम ले सकें क्वेश्चन को और कम समय में। तो फ्रेंड्स आगे जो बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना है, मैं सभी पढ़ के बता रहा हूँ, बस आपको सुन लेना है, उससे ही आपको सब ये याद भी हो जाएंगे। आयरन सीट की सोल्डरिंग के लिए प्रयोग किया जाता है तो अमोनियम क्लोराइड फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है आयरन सीट के लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो टीवी व बिजली कामों के लिए प्रयोग किए जाते हैं तो नॉन कोरोसिव फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है जिसमें एसिड की मात्रा नहीं होती है और जो जहरीले नहीं होते हैं, नॉन कोरोसिव फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, मोटे पार्टों को जोड़ने के लिए की जाती है तो ब्रेजिंग की जाती है जो कि हमारी परमानेंट फास्टनिंग कहलाती है। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स ध्यान से देखें, ये रहा तांबे की सोल्डरिंग के लिए प्रयोग किया गया फ्लक्स कौन सा है, तो आपको हमेशा याद रखना है तांबे के लिए अमोनियम क्लोराइड फ्लक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लूँ मैं, तो ये रहा आपका, ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स, क्या है बोल रहा है, पतली चादरों को जोड़ने के लिए की जाती है तो फ्रेंड्स हमारी सोल्डरिंग की प्रक्रिया हम करते हैं पतली चादरों को जोड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु को छोड़कर बाकी सभी धातुओं पर सोल्डरिंग की जाती है, तो एंटीमनी एक ऐसी धातु है जिस पर हम सोल्डरिंग नहीं कर सकते हैं, बाकी सभी धातुओं पर सोल्डरिंग की जा सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किन धातुओं को छोड़कर बाकी सभी धातुओं पर ब्रेजिंग की जा सकती है, तो मैग्नीशियम और उसके एलॉय को छोड़कर बाकी सभी धातुओं पर हम ब्रेजिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धातु की सतह साफ करने तथा, ये क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ, शोल्डर को बहाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो फ्लक्स का प्रयोग करते हैं हम। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सिल्वर शोल्डर में किन धातुओं का मिश्रण होता है, तो तांबा जस्ता और चांदी का मिश्रण होता है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये जो हम वनलाइनर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं एज इट इज़ आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो आपको हर क्वेश्चन को जो है अच्छे से ध्यान से देख लेना है क्योंकि आपके नेक्स्ट परीक्षा में ये क्वेश्चन शायद आ सके, आ जाए यहीं की ऐसा कि ऐसा आ जाए, एज इट इज़ आ जाए, तो आपको ध्यान से सभी क्वेश्चन को जरूर देखना है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, गन मेटल की शोल्डरिंग के लिए प्रयोग किया जाता है तो बिरोजा फ्लक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक अर्धस्थायी फास्टनर है तो सोल्डर जो है वो अर्धस्थायी फास्टनर है, क्योंकि अगर अर्धस्थायी फास्टनर का मतलब होता है कि अगर आप इसे खोलें तो जो आपका सोल्डर है वह खराब हो और जॉब को कोई क्षति ना पहुंचे, तो ऐसे जो फास्टनर कहलाते हैं वह अर्धस्थायी फास्टनर कहलाते हैं, जैसे हमारा सोल्डर। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थायी फास्टनर कौन सा है, तो ब्रेजिंग। स्थायी फास्टनर का मतलब होता है वह फास्टनर जिसे अगर खोला जाए तो जॉब और फास्टनर दोनों ही खराब हो जाए, वह हमारे होते हैं स्थायी फास्टनर यानी कि परमानेंट फास्टनर जिसमें ब्रेजिंग और बेल्डिंग आते हैं। नेक्स्ट की बात कर लें, किसमें जोड़े जाने वाले पार्टों की सतह की टिनिंग करने के पश्चात फ्लक्स लगातार सोल्डर की कोटिंग करके पार्टों को क्लैंप करके गर्म किया जाता है, तो स्वेटिंग वह प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, ध्यान से देखें, फ्लक्स मिलते हैं तो द्रव और पाउडर के रूप में मिलते हैं फ्लक्स हमारे, ध्यान से देखें इसको कर रहा हूँ मैं, सिल्वर ब्रेजिंग में फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है, तो क्या लिखा है ऑप्शन जो राइट आंसर में लिखा है, पिघली धातु को आसानी से बहने देने के लिए। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रोसेस के द्वारा किसी स्क्रू थ्रेड को बिना धातु हटाए बनाया जाता है उसे कहते हैं, तो उसे थ्रेड रोलिंग कहते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो आप इसे ध्यान से देख लें, मैं इसे IMP कर दे रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपका आगे भी पूछा जा सकता है एग्जामों में, तो आप ध्यान से देख लें। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर ब्रेजिंग का प्रयोग किया जाता है तो ऐसे इलेक्ट्रिकल पार्टों को जोड़ने के लिए जिन्हें उच्च इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की आवश्यकता होती है वहाँ पर हम सिल्वर ब्रेजिंग का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये रहा आपके सामने, सभी वन लाइनर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन है, तो यहाँ देखिए क्या लिखा है ध्यान से, ये लिखा है कार्बोराइजिंग, इस क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ, कार्बोराइजिंग ज्वाला किन धातुओं को बेल्ड करने में प्रयोग की जाती है, एल्यूमिनियम, निकिल, स्टेनलेस स्टील, इस्पात आदि को। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर्क ब्लो होता है तो आर्क बेल्डिंग में जब सीधी ध्रुवता प्रयोग की जाती है
तब आर्क ब्लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो अलग अलग पदार्थ अथवा विभिन्न मोटाई के पदार्थ का बट बिल्डन किया जा सकता है दाब तथा धारा के नियंत्रण के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, चुंबकीय आर्क ब्लो है, डीसी आर्क बिल्डन में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के कारण बनने की क्रिया होती है हमारी चुंबकीय आर्क ब्लो। किस बेल्डन प्रक्रम में अंगों को बेल्डन तापमान तक गर्म किया जाता है तथा तब धातुओं को एक साथ जोड़ने के लिए सिरों पर बल लगाया जाता है, तो वह होता है रेजिस्टेंस बेल्डिंग, हमारी प्रतिरोध बेल्डिंग। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीन ज्वाला में ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन का अनुपात होता है, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, तो ये आपके लिए आईएमपी हो जाता है फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान से देखें। क्या मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ इस क्वेश्चन को, उदासीन ज्वाला यानी न्यूट्रल फ्लेम में ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन का अनुपात होता है, तो 1:1 का होता है, ध्यान से देखें फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो अगले क्वेश्चन होंगे वो 22 जो क्लास होगी हमारी आगे उसमें पूछे जाएंगे। यहाँ पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं क्योंकि जितने भी आईएमपी थे वन लाइनर वो हम सब ने जो है मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर दिए हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा अभी हम आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं और टेलीग्राम ग्रुप से, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है, वहां जाकर आप उन दोनों ग्रुप से जुड़ जाएं क्योंकि वहां पर हम आपको एक्स्ट्रा मटेरियल जो है प्रोवाइड कर रहे हैं और टेस्ट की लिंक जो है सबसे पहले व्हाट्सएप पर ही डाली जाती है, उसके बाद यूट्यूब पर जनरेट की जाती है। और फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपको आगे भी ऐसी ही वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले हमारे चैनल में प्राप्त हो सकते हैं और हो पाएंगे ही। और फ्रेंड्स अभी तक बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया तो बेल आइकन पर ही क्लिक कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी समय समय पर मिलते रहें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।